गोवर्धन के मलसराय गांव में दूसरे समुदाय द्वारा युवक की पिटाई के बाद बवाल। सेना की भर्ती के लिए दौड़ लगाने जाते हैं मलसराय के युवक। गोवर्धन क्षेत्र के मलसराय गांव में सेना की भर्ती देखने के लिए सुबह शाम दौड़ लगाने जाने वाले मलसराय के कुछ युवकों के साथ पास ही के गांव देवसेरस के दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी और साथ ही हिदायत दी कि आगे से इस क्षेत्र में नजर आए तो अंजाम बुरा होगा। इस बात को लेकर मलसराय गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने गोवर्धन के सकरवा देवसेरस रोड को जाम कर दिया, जिससे कि आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की सूचना गोवर्धन थाना पुलिस को लगते ही गोवर्धन पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाम खुलवाने के लिए थाना प्रभारी लोकेश भाटी ग्रामीणों को समझाने लगे, लेकिन ग्रामीणों का पारा सातवें आसमान पर था और ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी गोवर्धन वरुण कुमार सिंह सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। साथ ही आश्वासन दिया कि लिखित शिकायत मिलते ही वह तुरंत इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम को खोल दिया और आवागमन चालू हो गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यह मारपीट की घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी चार बार बच्चों के साथ दूसरे समुदाय के लोगों ने द्वारा पिटाई के मामले सामने आ चुके हैं। आपको बताते चले, क्योंकि गांव दो सेरस आपराधिक गतिविधियों के लिए मशहूर हो सकता है, शायद इसी वजह से ये मारपीट का मामला घटित हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए कितनी जल्दी दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालती है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम चौधरी सतेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले जी? गाँव मलसराय का। क्या घटना हुई है जी? घटना ये हुई है कि काफी बार हमारे साथ हमारे जो बच्चे हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं उससे पिछले तीन चार महीने से लगातार रोक के पिटाई करी जा रही है। कौन पिटाई करता है? ये हमारे साइड में गांव है मुसलमानों का दौसेरस। अच्छा। इसके कुछ हैं जो अपने आप को दबंग और गुंडा समझते हैं, उन्होंने मुसलमानों ने ये घटना का अंजाम दिया है। और इस बार अभी लगभग 4 बजे एक हमारे बच्चे थे छोटे, वो दौड़ के आ रहे थे तो उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उनको पीटा और उसके बाद एक जो उसके साथी था वो उसके पास पहुंचा तो उनसे ये बोला गया कि अगर दोबारा आप यहाँ दिखे तुम में से कोई भी गांव मलसराय का शख्स तो तुम में सीधा गोली मारी जाएगी। और एक नहीं गोली मारी जाएगी। क्या उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने बच्चों साथ पिटाई है? नहीं कोई, क्योंकि हजार होते हैं एक आदमी के, कैसे जान पाओ? नहीं तो लगभग कितने लोगों ने बच्चों के साथ जी? एक ही लड़का था, एक ही था, काफी यंग एज का था। नहीं, जिन लोगों ने मारपीट की है वो कितने लोग थे जी? एक दो, दो जने थे शायद, दो थे। तो क्या वो बच्चा जिसकी पिटाई हुई है वो पहचान सकता है? जी, अगर सामने आ जाता है तो पहचान लेगा। बाकी क्योंकि पुलिस प्रशासन से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि इस दबंगई को, उनकी जो मुसलमानों की जो ये दबंगई है उनको खत्म किया जाए, क्योंकि अब भर्ती आ रही है और हमारे जो बच्चे हैं वो सुबह जल्दी निकलते हैं रेस करने के लिए, हो सकता है आगे कुछ अनहोनी हो जाए। तो जैसा कि प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, मौके पर पुलिस भी आ चुकी है, तो क्या आश्वासन आप लोगों को? जी, आश्वासन दिया गया है कि आप लिखित में थाने में तहरीर दें और हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।